हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाएंगे ये एगलेस ब्राउनी, और इस ब्राउनी को मैंने बिना मैदे, बिना बटर, बिना चॉकलेट और बिना ओवन के बनाया है। तो आइए इस डिलीशियस सी इजी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने नमक डाला है, स्टैंड रखा है, और ढक्कन लगाकर हम लो फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। केक टिन भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्वायर टिन लिया है, इसे हम ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। नीचे यहाँ मैंने एक नॉर्मल पेपर लगाया है, कोई भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे और लीजिए हमारी टिन तैयार है। इसे साइड पर रखते हैं। और ब्राउनी का बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, साथ ही में 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक छलनी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। जिस आटे से हम रोटियां बनाते हैं वही आटा मैंने लिया है। 3/4 कप हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, साथ ही 1/4 कप यहाँ मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 चुटकी यहाँ मैंने नमक भी डाला है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। यहाँ मैं कोको पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस ब्राउनी में किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चॉकलेट मेल्ट करके डाल रहे हैं तो आप कोको पाउडर की मात्रा कम कर सकते हैं। ब्राउनी का बैटर हम मिक्स कर लेते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में इसे हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बैटर तैयार है। केक बैटर के मुकाबले ये बैटर थोड़ा सा थिक होता है। अब लास्ट में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए आलमंड्स। आप अपनी पसंद का कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ हमारा ब्राउनी का बैटर तैयार है। इसे अब हम ट्रांसफर कर देंगे रेडी किए हुए टिन में। आप देख सकते हैं कि ये काफी थिक है, क्योंकि केक का बैटर थोड़ा सा लूज होता है और ब्राउनी का बैटर थोड़ा सा थिक होता है। तो सारे बैटर को यहाँ मैंने डाल लिया है, और स्पैटुला की मदद से हम इसे इवेनली स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर से यहाँ हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे चॉप किए हुए आलमंड के साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉप किए हुए चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी ब्राउनी तैयार है, इसे अब हम बेक करेंगे। तो कढ़ाई भी अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर हम रख देंगे ब्राउनी वाली टिन और ढक्कन लगाकर अब इसे हम बेक करेंगे लगभग 30 मिनट के लिए। तो पहले 10 मिनट फ्लेम को मीडियम रखें और बाकी का फिर हम इसे लो करके पकाएंगे। तो लगभग 30 मिनट के बाद यहाँ मैं ब्राउनी को चेक कर रही हूँ, एंड लुक एट दिस फ्रेंड, कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है हमारी ब्राउनी, ये देखिए, और कितना परफेक्टली ये बेक हुई है। टूथपिक लगाकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन आई है, मतलब ये परफेक्टली बेक हो गई है। अगर टूथपिक में हल्का सा ब्राउनी का बैटर चिपके तो आप 5 मिनट इसे और बेक कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ ब्राउनी एकदम अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, इसे अब हम टिन से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो अगर ब्राउनी को ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप हल्की गर्म ब्राउनी को निकाल सकते हैं। पेपर को निकाल लेते हैं हम, और देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ब्राउनी बनी है, ये देखिए। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी इन्हें कट कर सकते हैं। लुक एट दिस, कितनी ज्यादा डिलीशियस लग रही है ये। तो यहाँ मैंने इसे 4 बड़े पीसेस में कट किया है। मैं आपको एक पीस सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज्यादा डिलीशियस और चॉकलेटी लग रही है, जबकि हमने इसमें किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए ब्राउनी को सर्व करते हैं। तो ब्राउनी के ऊपर यहाँ मैं 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ, इससे ब्राउनी का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा हेवनली हो जाता है। ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ी सी कैरेमल सॉस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही गार्निश करेंगे हम 1 चेरी के साथ, और लीजिए हमारी डिलीशियस सी ब्राउनी झटपट से बनकर तैयार हो गई। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।